हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड, आज फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टन के प्राइम MPPT प्लस 30 एम्पियर का। फ्रेंड बहुत ही डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही उसका आउटपुट भी देखने वाले हैं हम। फ्रेंड पहले फ्रेंड हम नॉर्मल मौसम में उसका आउटपुट देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड हम जो भी बरसात का मौसम है उसमें भी उसका आउटपुट चेक करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही डिटेल रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हेलो फ्रेंड, तो आप देख पा रहे हो ये हमारे स्मार्टन का प्राइम MPPT प्लस है। इसकी सहायता से 12 वोल्ट 30 एम्पियर में है। इसमें SMF और ट्यूबलेट दोनों बैटरी सपोर्ट करता है। इसकी सहायता से हमने जो हमारा लुमिनस का इन्वर्टर है उसको हमने सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रखा है। अब हम इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड देख पा रहे होंगे आप, सोलर से 3 एम्पियर आ रहे हैं और इसको ये बूस्ट करके 7 एम्पियर कर रहा है। देखिए फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे बैटरी चार्ज हो रही है सोलर से अभी प्रेजेंट में, और यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है। एक साइड की बैटरी हमारे पास 150 Ah की, और हमारे पास एक लुमिनस का इन्वर्टर है, देख पा रहे हो आप। अब फ्रेंड अब हम इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं और आगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार मैं सही कर देता हूँ इसको। हाँ, अब देखिए ये हमारा जो सोलर पैनल है, अभी सोलर 12 वोल्ट 30 एम्पियर कैपेसिटी का है ये हमारा, और बैटरी टाइप हम सेलेक्ट स्विच कर सकते हैं यहाँ से। और हमने DOD सेटिंग है 30% कर रखी है, 12 वोल्ट पैनल लगा रखे हैं। सोलर पावर अवेलेबल है फ्रेंड्स अभी, और जो सोलर है उससे 3 एम्पियर और 33.6 वोल्ट आ रहा है ऊपर से। इसको ये करंट को बूस्ट करके 7.1 एम्पियर कर रहा है, तथा बैटरी का वोल्टेज 13.4 है। और देखो बैटरी चार्ज हो रही है फ्रेंड अभी भी, और यहाँ से देखिए फ्रेंड अब हम जो हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं छत पे उनको भी देख लेते हैं। तो आइए हम छत की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम ऊपर चल रहे हैं सोलर पैनल देखने के लिए कि हमने कितने वाट के, देखो यहाँ से हमारा वायर जा रहा है सोलर के लिए। और देखिए हम छत पे आ चुके हैं फ्रेंड, यहाँ से अब मैं सोलर पैनल दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हमारे रूफ टॉप पे लगे हुए हैं फ्रेंड, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो फ्रेंड मैं आपको पूरे 460 वाट का सोलर सिस्टम दिखा देता हूँ। ये हमारा एक लूम सोलर का पैनल है, ये लूम सोलर का पैनल है, और ये जून सोलर का पैनल है, और एक ये हमारे पास 10 वाट का जो ये छोटा सा रखा हुआ है 10 वाट का पैनल है। तो फ्रेंड टोटल 460 वाट का हमारा सोलर सिस्टम है, और इसका आउटपुट मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हम बरसात के मौसम में आउटपुट देखेंगे। और फ्रेंड मैं अब आपको बरसात के दिन जो भी, ये आज का वीडियो नहीं है, ये बहुत पहले का वीडियो है। एक दिन बहुत तेज बरसात आई थी, तो उस दिन का मैं आपको इसका परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। देखो फ्रेंड ये इसकी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे हमने एक बैटरी और सब कुछ कनेक्ट कर रखा है। तो फ्रेंड मैं दिखाता हूँ ये कितने एम्पियर देगा बरसात के मौसम में जब बहुत तेज़ बारिश होगी। तो देखिए फ्रेंड अभी SMF देखो हमने DOD सेटिंग कर रखी है 30% और 12%, सोलर पावर अवेलेबल नहीं है। देखिए फ्रेंड तो देखो 0 एम्पियर आ रहा है क्योंकि बरसात हो रही है बहुत तेज़, तो ये काम नहीं करता, बहुत तेज़ बरसात होती है तब।